हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज जायसवाल और मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको शेष निकालने के जो प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊँगा। देखिए, कभी कभी कुछ प्रश्न आते हैं इस तरीके के, शेष निकालने के, जैसे कि आपको दिया है कि 69 की पावर 67 को अगर हम डिवाइड करेंगे 68 से तो शेष कितना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के जो भी प्रश्न होते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा क्या है, भाज्य, ये हमारा है भाज्य, ये हमारा भाजक है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, भाज्य। तो ये संख्या क्या है, भाज्य की आधार संख्या है, आधार संख्या है। अगर भाजक जो है भाज्य की आधार संख्या से एक कम हो, अगर भाजक भाज्य संख्या की आधार संख्या से एक कम हो, अगर भाजक भाज्य संख्या की आधार संख्या से एक कम हो तो शेष हमेशा एक आता है, चाहे घात कितना भी हो, तो शेष हमेशा एक आता है, चाहे घात कुछ भी हो। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरे तरीके का और प्रश्न आता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य संख्या से एक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1700 की पावर 2000 ले लीजिए, अगर हम इसको विभाजित करें 18 से तो शेष क्या होगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारा भाजक है वो भाज्य से एक ज़्यादा है। जब भी भाज्य की आधार संख्या से एक ज़्यादा हो तो दो बातें हो सकती हैं। तो इस केस में दो बातें हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं। अगर घात हमारा सम संख्या है तो शेष हमेशा एक आएगा, और अगर घात विषम संख्या है तो शेष हमेशा आधार संख्या होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा शेष कितना है, एक है। यहाँ पे शेष कितना आएगा, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, यहाँ पे जो हमारा घात क्या है, 2000 क्या है, हमारी सम संख्या है, तो हमारा शेष कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगर इसी की जगह अगर हमारा घात यहाँ पे 197 होता तो ये क्या है, हमारी विषम संख्या है, तो शेष कितना आएगा, यहाँ पे जो हमारी आधार संख्या है भाज्य की, यानी 17 ही हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ और तरीके के प्रश्न हैं, जैसे कि 3 की पावर 90 को अगर हम डिवाइड करें 28 से
28 से, तो शेष कितना आएगा? इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो 3 है, 3 की पावर 3 हमारी 27 हो जाएगी, जो 28 से एक कम है। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस संख्या को कि ऐसी घात लें जो इससे एक ज़्यादा या एक कम हो। जैसे यहाँ बना सकते हैं इसको, 3 की पावर अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो बाहर कितना बचेगा? 30। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको लिख सकता हूँ 27 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 28। देखिए अब यहाँ पे क्या है, फिर हमारा जो हमारा भाजक है वो भाज्य संख्या की आधा संख्या से एक ज़्यादा है, तो शेष क्या होगा? शेष लिखने के लिए दो केस होते हैं। अब हमारा घात देखेंगे, घात हमारा क्या है? सम संख्या है, तो शेष क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। फ्रेंड्स एक और टॉपिक देखते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, भिन्न से रिलेटेड है। भिन्न निकालने के प्रश्न, जैसे क्वेश्चन आता है कि 2/3, 5/8, 7/9, 8/5, इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो हम क्या करें कि जितने भी भिन्न दिए हैं, इनकी ऊपर की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं, और अंश कहते हैं, और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम क्या करें कि सारी संख्याओं के हर जो है सारी संख्याओं के हर को बराबर कर दें लघुत्तम समावर्तक निकाल के, तो सबका हर अगर बराबर आ जाएगा तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। या फिर एक और दूसरा तरीका है, लेकिन इस मेथड में क्या है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक और मेथड है, इसे कहते हैं हम लोग कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड क्या है कि हम कोई भी दो भिन्न उठाते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने इन दोनों भिन्न को उठाया, 2/3, 5/8। अब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 8/2 = 16, 3/5 = 15। अब देखिए इन दोनों में देख लीजिए कौन सा बड़ा है। अगर पहली वाली संख्या बड़ी है तो पहला वाला भिन्न बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, 2/3 हमारा बड़ा है और 5/8 छोटा है। उसी तरीके से हम और भिन्न को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर किया तो ये आया 16, ये आ गया 15। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो 2/3 है, 2/3 है वो हमारा बड़ा है, तो इसको हमने हटा दिया। अब 2/3 को 7/9 से कंपेयर करेंगे तो 9/2 = 18, 3/7 = 21। दूसरा वाला टर्म बड़ा है, इसका मतलब कि 7/9 इससे बड़ा है, ठीक है, इसको हटा देंगे। फिर इसको कंपेयर करेंगे अगले भिन्न से, 8/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 35, ये हो गया 72। दूसरी संख्या बड़ी यानी 8/5 हमारा बड़ी सबसे बड़ा भिन्न है। तो देखिए हमने सबको कंपेयर किया तो इससे हमें पता चला कि 8/5 हमारा क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। इसी तरीके से हम कंपेयर करके सबसे छोटा भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस पाइए। थैंक यू वेरी मच।